हमारा गणगौर का व्लॉग आज इस व्लॉग में बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये मैंने अपनी थाली जमा ली है, अंदर मैंने धूप रख दी है, फूल रख दी है, माला रख दी है, साथ में गुड़े और मैं ये क्या है, ये मैंने रोली मोली चावल गिरे 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 सही से कर दिया है मैंने इसको। अब गुड़े मैं पिरो रही हूँ। ये कुंवारी लड़कियों के लिए होते हैं, स्पेशली छोटे छोटे होते हैं, स्पेशली आर्ट हो जाते हैं माला के अंदर से गिटार लगा के एक जगह पर जहाँ मैं लेके जाऊंगी सारी थाली को उसके अंदर रख दूंगी। अब हम जा रहे हैं, ये मैंने जमा दिया मेरा लूटा। मम्मी ताई बुआ मौसी सब हमारी आ गई हैं इसके अंदर। अब हम निकल चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन के लिए। ये मेरी मॉम, इनके साथ में मैं जा रही हूँ गणगौर पूजने के लिए। ये है ईसर और वो है गणगौर जिन्हें अभी मम्मी पूज रही है, उसके बाद में ही मैं पूजूंगी। अब यहाँ पर 16 बिंदी लगाई जाएगी, मैं तो 8 लगाऊंगी। मेरी जो 3 बहन है गाना और जो भी होता है सब देने के बाद में पूजा कर लेते हैं। पूजा करने के बाद में सूर्य अर्घ दिया जाता है इस तरीके से, अर्घ नहीं बस से आशीर्वाद लिया जाता है, बड़ों का फोटो खिंचवाई जाती है, उसके बाद में गाय को दिया जाता है जो भी दान पुण्य आप करना चाहते हैं। ये कर रही थी लेकिन मम्मी के पीछे गाय बढ़ गई, लेकिन फिर बाद में शाम को ऐसा कुछ इस तरह का प्रोग्राम में मतलब गणगौर माता निकाली जाती है जयपुर में, तो बहुत सुंदर बहुत बड़ा मेला पड़ता है ये 14 रास्ते में निकलते जहाँ से सिटी वाला से सिटी वाला से सीधा सीधा होते हुए ये पूरा पहुँचती है चौगान स्टेडियम में। और चौगान स्टेडियम में देखो ये माता निकल गई, इस तरीके से गणगौर माता की सवारी निकाली जाती है। पूरा राजमहल की जो औरतें होती है सब कलश लेके पीछे से निकलती है। वो कितना ज़्यादा हुजूम है, मतलब कितना ज़्यादा हुजूम है यार सच में। जय हो गणगौर माता आपको। मतलब इनके लिए ही आई थी। और ये देखो सारी सारी इनके पीछे चल पड़ी, कोई अपने घर जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, मतलब बहुत सारी पब्लिक है। तो 2.5 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं इस सिर्फ और सिर्फ गणगौर माता की सवारी को देखने के लिए। पूरा एरिया बढ़ जाता है जहाँ से जहाँ तक भी होती है। पर खैर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक से ऐसी जगह पर जाते हुए जहाँ बहुत ज़्यादा सेफ थी, फिर मैं बहुत सारे शॉट्स को लेने के लिए पहुंच गई सीधा चौगान स्टेडियम। ये है रॉयल फ्लैग जो पचरंगा होता है, ये वो वाला रॉयल फ्लैग था। फिर बाद में पूरी पूरी सवारी वहां से होती हुई सीधा चौगान स्टेडियम की तरफ आ रही थी। तो चौगान स्टेडियम में मैंने सारे शॉट्स लिए, देखो मतलब बहुत अच्छा था प्रोग्राम, बहुत अच्छा। माता की सवारी निकल रही थी तो बहुत सारे लोगों ने पैसे फेंके यार, ये पैसे फेंकते तो सही हो रहा है, छोड़ा दो यार बड़े से। अच्छी तरीके से मेला होता है यहाँ पर भी, मतलब इतने सारे मतलब बहुत सारे लोगों ने अपने अपने स्टॉल लगा रखी थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर बाद में सीधा मैं निकल गई घर की तरफ। ये पता नहीं क्या चीज़ थी यार, वो अच्छी दिख रही थी लेकिन उस दिन इसमें वो चल ऐसी कुछ आवाज निकल के है, फिर मैं सीधा निकल गई। तो गणगौर माता का जो मेला निकला था, रैली निकली थी, वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। सो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट किए बिना मत जाइएगा। ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए देखते रहिए ट्रैवल लॉग अन्या। बाय बाय।